के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। जैसे अभी हमारे पास में बहुत फोन आते, करोड़ों लोग हमसे जुड़े हुए हैं, लेकिन कोई ये जब हमको देखता है तो सोचता है कि अरे बहुत बड़े संत हैं, बहुत बड़े, पता नहीं मिले कि न मिले, बोलें कि न बोलें, उनके पास पहुंच पाऊँ कि न पहुंच पाऊँ, ऐसा लोग सोचते हैं। अपने घर बुलाएंगे तो कहाँ बिठाएंगे, कहूँ जगह तो है ही नहीं इनके बैठे वाली, तो बहुत भाई इनका मामला VVIP है, ऐसा लोग सोचते हैं। और लोग सोचते हैं कि हमारे पास कुछ लोग वकील मिलने आए, तो लखनऊ से एक वकील का फोन आया कि कुछ हमारे मित्र मिलने आ रहे हैं तो जरा दर्शन दे देना गुरुदेव, सोर्स लगाया, क्योंकि वो सोचते थे शायद ना मिले भाई, हम लोगों ने कौन गिनती हुआ, और हम तो मिल लेते हैं भैंस से, हम जो है महामूर्ख से मिल लेते हैं, गरीब से भी मिल लेते हैं। और वो सरमाए के साइड में निकले तो बुला ले, दे बाबा यहाँ आओ, इधर आओ, उसको बुलाए के मिले थे, कहाँ ना हो, कहाँ से आए हो, कहाँ बात, क्योंकि जब भगवान राम वानरों से मिल लेते थे, रीछों से मिले, भालुओं से मिले, चिड़ियों से मिले, गीधों से मिले, सिवरी से मिले, गरीब से मिले, अमीर से मिले, सबसे मिले, तो हमको तो मनुष्यों से मिलना है, भगवान राम से थोड़े हम बहुत बड़े हो गए। हम नहीं मानते हम भगवान हैं, हम तो मानते हम साधारण संत हैं, तो हमको भी सबसे मिल लेना चाहिए और सबको टाइम दे देना चाहिए। ज़्यादा नहीं बात कर पाओगे भीड़ में, तो कम से कम पास हम बैठ जाए, लोग देख लें ठीक से, दर्शन हो जाए, लेकिन दूर दूर क्यों करते हो। अब टाइम है तो प्रेम से मिल लो, एक घंटे भी मिल लो, आधा घंटे मिल लो, सब बात सुन लो, दिल की बात सुन लो, क्योंकि गुरु को अपने दिल के देवालय में लोग बसाते हैं, मन के मंदिर में स्थान देते हैं। आप मंदिर में जाइए, उसमें मूर्ति बसी है, लेकिन गुरु की मूर्ति कोई मंदिर में नहीं बसती है, गुरु की मूर्ति मन के मंदिर में बसती है, दिल के मंदिर में बसती है। हमारे कितने भक्त ऐसे हैं, जब यहाँ आरती होती है तब वे अपने घर में टीवी में आरती करते हैं, वहाँ उसके सामने आरती करते हैं, फोटो के सामने, और कोई जन्मोत्सव हो या कोई पर्व त्यौहार हो, भोजन बनाते हैं, थाली में परोस के गुरु के फोटो के सामने रखते हैं कि गुरुदेव भोग लगाइए। कितने लोग तो उसमें से लड्डू उठा के मुंह में लगा देते हैं, फोटो के मुंह में, ये खा लो तुम, हंसते हो खाली खाते रहे, लेकिन फोटो तो खा नहीं सकता है। इतना प्रेम है। तो जिन्होंने दिल में बसाया, मन मंदिर में बसाया, हृदय में स्थान दिया, तो उनसे मिलने में गुरु को क्या तकलीफ है, बोलो बलविंदर सिंह, प्रेम से मिलेंगे। तो ऐसे मैं सभी गुरुओं को बताता हूँ, मिल लिया करो, बहुत VVIP मत बनो, लोग दिल से मानते हैं आपको, जो भी आपके चेले चपेले होंगे मानते होंगे। अब हो सकता है तुम नहीं मानते चेलों को, तो चेले भी तुम्हारे उसी मॉडल के होंगे, लेकिन मैं अपनी बात जानता हूँ, मिलना चाहिए, प्रेम से मिलना चाहिए, सबका भाव है। हमारे पास में जितने शिष्य हैं, इसमें सीधे साधे बहुत हैं, कुछ ये सबसे सीधे हैं, ये सीधे थे सबसे ज़्यादा, इधर आओ, यहाँ सामने आ जाओ, ये सबसे सीधे थे, लेकिन इनका भी पार कर गई महाराज जी, हाँ इधर इधर आ जाओ, यहाँ ये दोनों जने, और दोनों सिधुआ, यहाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, दोनों सिधुआ हम अपने साथ रखे थे, क्योंकि सिधुआ आदमी में एक फायदा है, जहाँ बैठा रहते मूर्ति तो न बैठे, इलंग बिलंग कुछ न करी, और ज़्यादा चतुर है तो चकर मकर कर, तो ये बहुत सीधे थे, लेकिन इनका हाल चाल हम रोज लेते हैं, अब इनको अपनी सेवा ड्यूटी भी देना है, इनको भी देते हैं, इनको भी देते हैं, अब अलग से लड्डू खिलाती थे, आ जाओ इधर खा लो, तो बोलते ठीक है गुरुदेव, अरे हमने कहा ठीक, बिना खाए ठीक कैसे होते, इसको खा लो, इसका सम्मान करो लड्डू का, तो खा लेते हैं। ये भी शिष्य हैं, इनका भी हम सबसे बात करते, सबसे मिलना चाहिए, प्रेम से मिल लो, है क्या संसार में, एक दिन मेरी भी मृत्यु होगी, शिष्यों की भी मृत्यु होगी, कौन पहले मरेगा कुछ पता भी नहीं है,
ये तो सब जानते हैं, बहुत दिन भी जिएंगे, पर बहुत दिन कोई जीता नहीं है। कब किसका सूरज अस्त हो जाए, कौन मस्त हो जाए, कौन पस्त हो जाए, क्या पता है। तो इसलिए नदी नाव संयोग, हिलमिल सबसे चालिए नदी नाव संयोग।